If 100 businesses close down, more than 95 close down because of bad finance management. If you see goodwill in a balance sheet, question number one is it good or bad? Goodwill, goodwill good. According to me, goodwill is perhaps one of the worst items to appear in a balance sheet. HR is hiring decision, leta hai, it's a financial decision. You <laughs> non finance. Finance management is not recording stuff mm. finance management is not accounting finance management is not preparing balance sheets finance management is the ability to understand r.k action key financial implication kya you can use long-term money for short-term purposes but never use short-term short -term money for long-term purposes God. it is very very important

ये बुक उन लोगों के लिए नहीं है जो कॉमर्स से ग्रेजुएट हुए हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं ये बुक उन लोगों के लिए है जो एक लेमैन है बट उसको बा, बेसिक बैलेंस शीट की समझ होनी चाहिए सो so, चाहे वो एक ऑन्टरप्रिनर हो या चाहे वो एक कंपनी में एक छोटे से एंट्री लेवल पे जॉब कर रहा हो अंडरस्टैंडिंग दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द वेरी सेम टाइम कोई अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है या फिर कोई अपनी कंपनी रीड कोई कंपनी रीड करके उसमें इन्वेस्ट कर रहा है दिस बिकम्स अ नो ब्रेनर ये चीज तो पढ़नी आनी, आनी आनी चाहिए इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है

so when i did my chartered accountancy, not only you don't know what the power is or what 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 uh, scope is, after becoming a ca, for several years you are discovering that so, so, this is in the 80s, 1980s. Haan. okay. Uh, only thing i did was i passed out as a ca and set up practice right away. okay. Uh, coincidentally. Uh,

प इन टच विध यू टीच सो लॉजिक मेट सेंस तो वो हमने एक्सेप्ट किया मगर इतना मजा आया पढ़ाने में खुद बाईस तेईस साल का था स्टूडेंट्स बीस इक्कीस साल के थे एमबीए वाले hmm. तो कैप तो इट वॉज तो ग्रेट वन तो वहां से भी शॉक पढ़ाने का शुरू हुआ बट देन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ने लगी ट्रेनिंग बिकेम अ

If hundred businesses close down, more than ninety-five close down because of bad finance management. Right. What we teach is to help them not to do that. So is it because of the finance team in the organization or the account team in the organization? I'm mentally or... thinking how much how long an answer to give you before boring your audience. <laughs> because uh, you know, I have a very funny take on this. Our programs are titled.

इन एवरी एक्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल फाइनेंस मैनेजमेंट और मिस मैनेजमेंट इफ यू आर अ सेल्स पर्सन एंड यू आर सेलिंग दीज चश्मा तो कुर्सी बेच रहे हो एंड यू मीट अ कस्टमर कितनी की कुर्सी है आप बोलते हो पांच हजार रुपए की mm. है कस्टमर से आई एम स्टार्टिंग अ लार्ज कंपनी मेरे को दस हजार पीस चाहिए तो बोल लेकिन का का मैं नहीं दे सकता। बजट बजट नॉट है। इफ यू आई आई बाय पीसेस। अब बताओ ऐसे ऑफर तो रोज मिलते होंगे वाले। स्टैंडिंग इन द फील्ड ही टू डिसाइड यस और नो। बताओ द मोमेंट ही यस और नो हैज़ है Financial. Financial decision, you understand, अगर इसकी चार कर फाइनेंस hmm. मैनेजमेंट और अगर चार हजार अफोर्ड yeah. नहीं कर सकती थी oh. और उसने हाँ बोल दिया दैट इज वर्स मैनेजमेंट अब बताओ कोई फाइनेंस वाला है पिक्चर में एचआर no वाला जब हायरिंग डिसीजन लेता है इट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन

डू अ एंड टेल यू आपने प्रॉफिट बनाया कहते हैं उनकी गलती hmm. नहीं है उनके एक्शन से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है रियल फाइनेंसो जेनरेट प्रॉफिट मैसेज इज यू कम टू अटेंड प्रोग्राम ऑन फाइनेंस नॉन फाइनेंस करेक्ट स दीज पीपल अंडस्टैंड सो मेरी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट इज फाइनेंस मैनेजमेंट इज नॉट रिकॉर्डिंग स्टाफ मैनेजमेंट इज नॉट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट इज नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस फाइनेंस मैनेजमेंट इज दबिलिटी टू अंडरस्टैंड आपके एक्शन की फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है आपकी एक्शन से कंपनी की बॉटम लाइन स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी अगर आपकी एक्शन से कंपनी की बॉर्डर लाइन स्ट्रॉन्ग होती है यू शुड डू दैट एक्शन। अगर वीक होती है तो यू शुड नॉट डू इट जब तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझ में नहीं आता उस कंपनी की so, so, हमने प्रैक्टिस शुरू की right. फिर साइमल टेनिस पढ़ाना शुरू right. किया पढ़ाने का प्रोफाइल बदलता रहा मगर पढ़ाता रहा मैं कॉलेज टीचिंग, टीचिंग से कॉपरेट टीचिंग कॉपरेट टीचिंग से आई यूज टू राइट कॉलम्स इन न्यूज तो थोड़ा विजिबल थे हम दिस इज स्टिल 1980s 90s 80s okay. एंड 90s तो okay. so, uh, कहीं भी शाम को बैठे हैं पार्टी में या गेट टुगेदर में तो कोई ना कोई पूछता था यार आई आल्सो वांट टू डू आई तो इतने लोग पूछते थे तो वन डे वी सेड हम ही ऑर्गेनाइज करते इसके Correct. पहले आई यूज्ड टू टीच कोई इनवाइट करेगा hmm. तो बढ़ाते थे करेक्ट इजिंग प्रोग्राम वो बहुत पॉपुलर हो गए तो ओपन प्रोग्राम्स होते थे कॉपरेट प्रोग्राम्स में प्रैक्टिस वॉर द मेन टीचिंग में साउंड बिग मगर वो क्या अगर कॉलेज में भी तुम पढ़ा रहे हो रोज भी पढ़ा रहे हो तो डेढ़ घंटे का लेक्चर होता है आई यूस टू गो डू ऑफिस एट अर्ली मॉर्निंग सिक्स थर्टी सेवन ऑफिस में होते थे रात को नौ साढ़े नौ बजे तक right. बीच में डेढ़ घंटे का लेक्चर डजन इवन मेक अ डेड बट इट साउंड लाइक योर डूइंग अलाउड ऑफ इट उसिंग इम्पैक्ट दैट इट है एंड बिजनेस फेलियर बोलना आसान है अगर इट्स इट्स अ ट्रेजिडी कंपनी डूब गई नौकरीज चली गई

i was fully involved but if i didn't want to i could delegate much of it right. i could even be there just as a signing. signing so i always had a very good team jinpe trust kar sakta tha to i used to focus more on teaching and practice Or, used to get delegated to ek din humne hamare ek colleague ko bola yaar tum sare client leke dusre office chale jao and i went full time into education hmm. sir why the name romancing with the balance sheet i think it's a very interesting <laughs> thing to aap kaise aaye is naam pe अगेन नो क्रेडिट गोज टू मी यार पहली बार तो किताब लिखी क्योंकि मैं लिखना चाहता था बट आई थॉट यू नो माई वर्क इज सो मच फन जो फन नहीं होता मैं करता नहीं था राइट मतलब कॉल इट लेजीनेस ऑफ वट एवर यू लुक्स लाइक वी वर्क वेरी हार्ड बट आई थॉट वी वर हैविंग फन वेरी हार्ड क्योंकि सब मजा आता था, था तो ज्यादा करते थे मुझे लगता था किताब लिखना बड़ी मुश्किल चीज होगी तो इवन दो आई वॉन्टेड टू टेक माई मैसेज टू अ ब्रॉडर ऑडियंस आई नेवर गॉट डाउन टू राइटिंग

रीडिंग अ पेपर और समथिंग सब कॉन्स में चलता रहता है क्या नाम देना है hmm. ये नाम ड्रॉप्ड इनटू माय हेड ओके

कहां से पैसा आएगा दो जगह से आएगा इफ कुनाल कंपनी कॉल्ड कुनाल इंडस्ट्रीज करेक्ट ना कुनाल इंडस्ट्रीज नीड्स मनी राइट फर्स्ट पर्सन इट विल गो टू इज गिव मी मनी राइट उसको कहते हैं कैपिटल राइट इक्विटी कैपिटल और दूसरा अगर द, अगर ज्यादा चाहिए और कुनाल ने कम दिया तो बाकी के लिए गो एंड टेक अ लोन राइट right. दोनों लोन है कुनाल इंडस्ट्री अलग है कुनाल hmm. इंडस्ट्री हैज बोरोड फ्रॉम कुनाल

क्योंकि हैविंग सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर यू विल नाउ रिक्वायर अ सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल राइट व्हाई डू यू नीड वर्किंग कैपिटल इनवेंट्री पड़ा रहेगा तो पैसा आएगा नहीं आपको तो आपने फैक्ट्री तो डाल दी हुँ. अगले दिन शुभ राइट शुभ कम्स टू यू कुणाल मुझे करोड़ रुपए की कुर्सी चाहिए अब ऑर्डर तो आ गया वो साथ में चेक तो नहीं लाने वाला करेक्ट <laughs> तो यू विल नाउ नीड टू बाय रॉ मटेरियल करेक्ट अभी इस करोड़ रुपए की कुर्सी के ऑर्डर में रॉ तो मटेरियल है right. तो यू वांट टू बा लगे बट डे टू डे खर्चे तो है ना रेंट right. देना है सैलरी तो कैश इन हैंड होना चाहिए right. और थर्ड रियालिटी ऑफ लाइफ इज आप दो तीन महीने मेहनत करके आप शुभ के पास जाते हो योर ऑर्डर इज रेडी एंड ई से थैंक यू वेरी मच बोर चेक इसे साढ़े दिन के बाद आके चेक ले जाऊ नीड मनी यू आर फंडिंग यूर कस्टमर तो डेटर्स so तो में पैसा चाहिए बैलेंस शीट राइट कहाँ से आया ओनर से आया बाहर वाले से आया कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर में गया और वर्किंग कैपिटल

तो रिस्क रिटर्न का रिलेशनशिप तो हमको पता है right. कम रिस, कम रिस्क रिस्क रिटर्न रिटर्न ज्यादा ज्यादा तो ही विल ऑल्सो गेट अ रीजनेबली लोअर साइड रेट करेक्ट ताकि आप लॉस के टाइम पे भी उसको दे सको कम्स एंड सेज करनाल इंडस्ट्री टेक माय मनी कोई प्रॉमिस करने की जरूरत hmm. नहीं है इफ यू डोंट अर्न आई विल टेक नथिंग बट देन मैं रिस्क ले रहा हूं आई माई गेट नथिंग तो जब कमाओगे तो आई विल टेक एवरीथिंग राइट सो तो लेज आई थिंक बहुत सारे बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि या तो वो बिजनेस को बना लेता है या तो बिगाड़ देता है तो आपके हिसाब से लेवरेज को कैसे? बिगाड़ता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट ओके लेवरेज डेक्रेक ओके ज कोई फालतू में नहीं लेता बिजनेस वाला राइट नीड बेस लेता है सो hmm. so, अभी आपके पास सडली एक बड़ा ऑर्डर आएगा सडली नाउ एक लाख कुर्सी hmm. बनाने के लिए वही बोला ना ऑर्डर मिलेगा पैसा तो नहीं मिलेगा aha, aha, aha. अब पैसा चाहिए कहाँ से आएगा या तो अगेन आपके जेब से आएगा आपके पास नहीं है यू एग्जॉस्टेड योर मनी ना शुड यू टेक लोन और नॉट नाउ द्वेश्चन इज वेन शुड यू टेक अ लोन एंड वेन यू शुड नॉट टेक अ लोन आंसर इज एक लाख कुर्सियों में प्रॉफिट hmm. कितना बनेगा Correct. और लोन लोगे तो वो इंटरेस्ट मांगेगा आर यू अर्निंग मोर देन द इंटरेस्ट नंबर टू लोन लोगे तो ही विल इट बैक और ये कुर्सी बना के बेचोगे तो इट विल ब्रिंग मनी बैक विल इट ब्रिंग मनी बैक बिफोर द बैंकर फॉर इट बैक राइट अगर यू आर अर्निंग ग्रेटर देन वॉट यू हैव टू पे एंड यू कैन रिसीव द मनी बिफोर यू हैफकोर्स बोरो Right. लोन ने आप डुबाया नहीं कंपनी को डुबाया कंपनी को अगर उसने खर लोन लिया और कमाने की ताकत इक्वल टू इंटरेस्ट भी नहीं है और है भी तो इनफ्लो टाइम पर नहीं आएगा तो डूबेगा वो सो पीपल रॉन्गली ब्लेम लोन लड़े लोन को कैसे ब्लेम कर सकते हो वो तो अच्छा चीज है अच्छा भी हो सकता है बुरा इट्स डबलेस्ट थिंग right. ना Correct. तो अगर आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट बुरी है तो अच्छे से अच्छे सिचुएशन में डूब जाओगे Correct. और अगर फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छी है तो यूल बी एबल टू टाइट ओवर इट सर वेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो hmm. तीन स्टेटमेंट्स हो जाते हैं कैश फ्लो बैलेंस शीट और पीएनएल hmm. आपका पर्सनल फेवरेट क्या एंड

फाइनेंस इम्पॉर्टेंट वो भी पी एन एल पढ़ते हैं बैलेंस शीट नहीं पढ़ते स्टेटमेंट भी पढ़नी बहुत जरूरी है लेकिन तीनों का नॉट ओनली बैलेंस एंड पीएनएलो बट इनिशन देर अ वेरी लेस अंडरस्टूड स्टेटमेंट कॉल फंडमेंट विच इज gives you immense in इट इन video has pe गिवस यूर can watch it

उसकी एक साल की पहले की बैलेंस शीट में चीजें दिखने लग जाती है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पे बैलेंस शीट देख के आपको पता लग जाता होगा की दे हैव टेकन करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन नॉट एंड वो फिर उनके ऊपर बाद में आता है सो कुछ ऐसे इंस्टेंसिस जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कंपनियां डूबती है उनके साइंसिंग जितना डिटेल में जाओगे उतना इनसाइट ज्यादा मिलेगा बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सेम एज डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेके आओ देख के मालूम पड़ता है उसकी आपकी हेल्थ बिगड़ रही है कि ठीक चल रही है सो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड साइंस आर देयर बैलेंस शीट रिलेटेड साइंस आर देयर अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें कम लाइन में कैसे बताऊं वन ऑफ द बिगेस्ट

पैसे से शॉर्ट टर्म एसेट खरीदने चाहिए यू कैन यूज लॉन्ग टर्म मनी फॉर शॉर्ट टर्म पर्पजेस बट नेवर यूज शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म मनी फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजे तो ये ये मिसमैच आपको नजर आने लग जाएगा ये कैसे दिखता है

आप आज इन्वेस्ट करोगे एक साल के अंदर वापस आ जाएगा इन्वेंट्री आपने खरीद आप, तो कुर, आप कुर्सी के ट्रेडर हो आपने जो खरीदी आज कुर्सी वो महीने दो महीने तीन महीने छह कुर्सी का रॉ मटेरियल है साल हाँ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड 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 टू 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 फिनिश फिनिश प्रोडक्ट प्रोडक्ट गेट्स गेट्स डेटर डेटर कैश ये साइकिल एक साल के अंदर पूरी हो गई तो शॉर्ट टर्म और अगर मशीन आपने खरीदी दस साल यूज करने वाले हो तो वो लॉन्ग टर्म है तो योर बैलेंस शीट नाउ हैज फोर फिगर्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोर्सेज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यूजेस अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज लॉन्ग टर्म यूजेस से अगर ज्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म सोर्स शॉर्ट टर्म यूजेस से कम होंगे राइट right. इसका क्या मतलब है आपने लॉन्ग टर्म पैसे से लॉन्ग टर्म एसेट खरीदे लॉन्ग टर्म का कुछ हिस्सा शॉर्ट टर्म में गया right. मगर अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म यूजेसोर्स ज्यादा है hmm. तो बाकी का सोर्स जाएगा लॉन्ग टर्म में राइट एंड दैट अगर आप मेरे पास टेन कंपनीज सिक्स की बैलेंस शीट लाते हैं, Almost 8 of them की बैलेंस बैलेंस शीट शीट ऐसी होगी जिसमें ये वाला प्रॉब्लम तो अगर आप को रेगुलरली मॉनिटर करते हो, मेक sure कभी ना हो। इसके लिए दो करने चाहिए। कौन से रेशो कॉल लिक्विडिटी रेशो करंट रेशियो okay. आपका टूटू वन के आसपास होगा तो अच्छा है देना कितना है आना कितना है एंड विद इन करंट रेशोज अविडिटी रेशोक रेशो वो मिनिमम चाहिए करेक्ट अगर आप इनको रेगुलरली मॉनिटर करोगे बिफोर द रेशो गो आउट ऑफ हैंड यूल गेट द रेड फ्लैग मगर जो लोग बैलेंस शीट बनाते ही एज अ पोस्टमार्टम है यू नो इसलिए बजटिंग होना बहुत जरूरी है फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड बहुत right. जरूरी है हिस्टोरिकल भी बनाओगे तो क्वार्टरली मंथली बैलेंस शीट बनाओ सो दैट थिंग्स कम टू लाइट गेट टू लेट टू सर येट से पी एन एल में क्या होता है एक तरफ इनकम होती है एक तरफ एक्सपेंसिज होते हैं योर एक्सपेंसिस कैन फर्दर बी ब्रोकन अप इन टू वेरिएबल एंड फिक्स वॉट आर वेरिएथ वेरी अलॉन्ग विद सेल्स करेक्ट आप ये कुर्सी में अगर रॉ मटेरियल प्लास्टिक hmm. यूज कर रहे हो अगर एक कुर्सी में हजार रुपए का प्लास्टिक तो दो में दो हजार का जाएगा दस सो इट्स वेरी विद मगर जो रेंट दे रहे हो hmm. वो तो एक बेचो या सौ कुर्सियां बेचो रेंट वही होने वाला सो योर एक्सपेंसिस कैन बी ब्रोकन अप इन टू वेरिएबल एंड फिक्स फिक्स जैसे कौन सा होगा सैलरी रेंट एक्ट ना प्रॉफिट कब बनता है जब आपकी इनकम एक्सपेंसिस ज्यादा है बट इफ योर इनकम इनकम में से प्रॉफिट के लिए यू माइनस वेरिएबल एंड माइनस फिक्स्ड बट इफ यू ओनली माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस सेल्स माइनस वेरिएबल उसको कहते एक्सपेंसिस कॉन्ट्रीब्यूशन okay. और कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए okay. ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव रहे uh, ऐसा क्यों अच्छे दिनों में हो सकता है बट इमेजिन आई एम टॉकिंग अबाउट टफ डेज राइट टफ डेज में आप सौ रुपए में बेचते हो नॉर्मली hmm. आपकी कॉस्ट अस्सी रुपए है hmm. तो अगर टफ डेज चल रहे हैं तो कभी आपको नब्बे में बेचना पड़ेगा एटी फाइव में बेचना पड़ेगा एटी टू में बेचना पड़ेगा बट कैन यू सेल एट नॉट पॉसिबल क्योंकि यू कैन यू कैन आई कैन बट फिर मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा प्रॉफिट हो सकता है कैसे

माय एक्सपीरियंसेस या तो लोग 60 पे ना बोल देते हैं आउट ऑफ इग्नोरेंस या इतने हो जाते हैं हैं कि 30 में भी हाँ बोल देते हैं। right. दोनों क्राइम्स हैं okay. तो ये तभी पर्सपेक्टिव तो, तो पर उसमें सर एक बहुत सारे ऐसे से जब कुछ कुछ कंपनियां अदर एक्सपेंसेस के लाइन आइटम में प्ले अराउंड कर जाती थी

How Not does how does ha, capital structuring works industry to industry. See one is need based. It's unfair to compare let's say an HUL with a Tata Motors. Okay. HUL ka FMCG में है. Hmm. unke hazaron hazaron distributors हैं. Hmm. Distributor जब बनते हैं उनको एक deposit देते हैं. Okay. बोलने को short term source है वो. मगर किसी ने 50 50 साल पहले distributorship लिया छोड़ता ही नहीं है. Correct. इतना कैपिटल उनके पास आया हुआ है एंड यू डोंट इवन नीड फॉर व्हाई वुड यू गो एंड बोरो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट इट हैज टू बी नीड बेस्ड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज ग्रोइंग एवरी नाउ एंड देन यू फॉल शॉर्ट ऑफ मनी सो एवरी टाइम यू नीड मनी दैट इज वेयर अ कॉल हैज टू बी टेकन ये कहां से आएगा डेट से आएगा या इक्विटी से आएगा नाउ माय पॉइंट इज मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेड व्यू होता है माय पॉइंट इज लोग कभी 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 इक्विटी क्यों प्रेफर करते हैं कि उनको लगता है डेट का कॉस्ट है इक्विटी hmm. फ्री है ऐसा तो नहीं है आई मीन दिस इज द बिगेस्ट रॉन्ग नोशन पीपल कैरी नॉट ओनली इक्विटी हैज अ कॉस्ट इक्विटी इज टू थ्री फोर टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन डेट इफेक्टिवली स्पीकिंग राइट सो अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक आंसर दूं तो देर आर थ्री फैक्टर्स

If you raise more equity, आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा राइट right, and... आज कुनाल ने सेटअप इंडस, सेट की दस करोड़ जितने थे डाल दिए अपने सारे के सारे हंड्रेड परसेंट ओनर कर ऑल दस करोड़ चाहिए hmm. अब बैंक से ले के शुभ से ले चलो शुभ तू भी आ जा पर अब फिफ्टी फिफ्टी पार्टनर हो गए ना द मोर एक्विटी यू टेक द लेसर योर स्टेक बिकम करेट जो so, बहुत सारे स्टार्टअप करते हैं तो करेक्ट तो अगर आपको कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना तो भी डेट अच्छा है कॉस्ट सस्ता चाहिए तो भी डेट अच्छा है मगर डेट कम विद रिस्क आग लिया कल रिटर्न करना पड़ेगा right. कोई कारण नहीं आ सका तो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा correct. तो रिस्क फैक्टर से इक्विटी राइट right. तो ये तीन चीजें आप हर एक को अपना अपना सिचुएशन देखना है एंड देन यू टेक अ डिसीजन यू शुड टेक डेथल के लिए बताया कि डिपॉजिट हो जाता है क्या एक्चुअल की बिजनेस में ऐसा भी होता है की जो पैसा उनको मिलता है आगे उनकी सप्लाई चेन में वो जल्दी मिलता है और जब उनकी देने की बारी आती है तो आराम से वो, वो, वो नॉर्मली एनी रिटेल बिजनेस का वो ओके okay. सुपर मार्केट आप चला रहे हैं राइट डी मार्ट क्या होता है लोग गए जो भी उन, जो बेचते हैं उन्होंने क्रेडिट पे खरीदा राइट right. फार्मर ने अंडे दे दिए एफ ने कॉस्मेटिक्स जी ने कॉस्मेटिक रेडी टू ईट फूड वाले ने और 60 दिन बाद पैसा मिलेगा 90 दिन बाद मिलेगा नब्बे और हर कस्टमर बाहर जाते समय कैश तो दे तो चुकाने का 60 तो दिन है पर मिलता तुरंत है। उसका अभी एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है एडवांटेज होना चाहिए बोलने को एडवांटेज है फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं समझ में आता तो आपको डूब ले डूबा देगा वो कैसे चेन्नई बेस्ड एक कंपनी होती थी सुभिक्षा जब बिग बाजार 200, 250, 300 थे कंट्री में रिलायंस 500, 600 थे आदित्य बिरला के मोर 400, सौ साढ़े चार सौ थे डी मार्ट तभी सौ डेढ़ सौ होंगे उस समय सुभिक्षा के स्टोर एक हजार छ सौ पचास थे oh. यूज राइट right. हर कोने में सुभिक्षा हर कोने में सुबिक्षा एट वन टाइम देवर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ देवर ओपनिंग वन न्यू स्टोर एवरी वीक फिर वो पहुंचे एट अ लेवल देवर ओपनिंग टू न्यू स्टोर एवरी डे जिस साल डूबे वो कंपनी 700 हंड्रेड स्टोर ओपन हुए ओके okay. एक साल okay. अब प्रेशर कहां होगा लॉन्ग टर्म एसेट पे करेक्ट स्टोर खोलना है hmm. आप आप खरीदते नहीं हो मगर hmm. डिपॉजिट तो देना है राइट right. इन फर्नीचर तो डालना है करेक्ट डीप फ्रीजर तो लगाना है hmm. एसी तो लगाना है करेक्ट एंड इफ आर ओपनिंग एट द रेट ऑफ टू स्टोर डे टू स्टोर डे का यह मतलब नहीं सुबह डिसाइड करके शाम को हो, तो पहले मार्च में स्टोर खुल रहा है, 15 मार्च में खुल रहा है। अब जैसे जैसे पंद्रह मार्च नजदीक आ रही है स्टोर ओपनिंग अनाउंस हो गया पैसा खत्म हो गया बिकॉज यू ग्रोइंग टू फास्ट मगर पैसा है कौन सा वाला वो कस्टमर ने कैश दिया था ना देना साठ दिन के बाद स्टोर ओपनिंग अनाउंस है पैसे की शॉर्टेज है और पैसा है आपके तो डेटा ही नहीं है वो कहां से आया पैसा ना आपको ये मालूम है पैसा है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में मालूम नहीं है डू यू थिंक यूज नहीं होगा अरे क्रेडिटर को नब्बे दिन बाद देना है स्टोर ओपनिंग परसों है वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट स्टोर ओपनिंग तो कर लेगा वो oh, शॉर्ट टर्म पैसा लॉन्ग टर्म है सबसे बड़ा क्राइम राइट करेक्ट सो यू आर कंटिन्यूसली यूजिंग शॉर्ट टर्म मनी फॉर लॉन्ग टर्म एंड यू डोंट इवन नो इट अनलेस

Uh, in his financial right. principles. So uh look guy the investing side pe, ki negative working capital cycle is a very good advantage. But it's, it's a, not it's this not is always negative. Negative, negative. negative current liability being higher right. than current right. asset means negative working capital. Right. Negative working capital means short term money used for long -term. long term. So that is not a And good it can thing. happen to the best of companies. Right. I I call this the credibility trap. Right. See, मैंने क्या रेशो दिया था करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से right, ज्यादा होना चाहिए करंट right. लाइबिलिटी मतलब क्या वेंडर का पैसा ज्यादा hmm. होने से मतलब क्या वेंडर इज विलिंग टू गिव यू मोर क्रेडिट क्रेडिट इज अ अ वेंडर विलिंग टू गिव यू यू मोर आर क्रेडिटर कंपनी वेन यू हैव अ वंडरफुल रेपुटेशन वेन आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है वेन यू हैव अ हाई क्रेडिबिलिटी क्या होता है सबको आपके साथ डील करना है right. जब सबको आपके साथ डील करना है तो क्या होगा आपने बोला मुझे ये खरीदना है एक वेंडर बोलता है मेरे से ले लो I'll wait for 60 days. दूसरा बोलता है है तीसरा अब आपकी टेंडेंसी जो आपको longest credit देता विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी सो क्रेडिटर बढ़ता बढ़ता जाता है और क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी हाई है लोगों को आपसे खरीदना भी है तो दूसरा बोलता है सिक्सटी डे क्रेडिट आप बोलते हैं थर्टी डे आप लोग आपसे लेंगे आप बोलेंगे कैश पेमेंट तो, तो भी लेंगे क्योंकि इतना आप भरोसा है तो ये करंट एसेट कम होते जाते हैं राइट करंट एसेट कम नहीं होते कैश में cash. आया मगर आप ग्रोइंग कंपनी हो hmm. तो ये कैश जा रहा है लॉन्ग टर्म में फिर correct, correct. जितना कमाओगे उतनी ग्रो करोगे राइट एंड सडनली क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी थी hmm. आप इस विश्व साइकिल में फंस कॉल दिस द क्रेडिबिलिटी ट्रैक पॉइंट इज

When I am personally reading it, so what exactly is intangible asset? तुम so question बड़े अच्छे पूछ रहे हो, हाँ. but each of them deserves board लेके <laughs> pen लेके दो-दो घंटे के answer, not दो-दो minute के answer. तो मैं एक example देता hmm. हूँ. For example, one of the intangible assets is goodwill. Right. इतना misunderstood item है, I can't tell you. अगर आपने किसी balance sheet में goodwill पढ़ा, hmm. सब आपकी company, hmm. कुनाल industries right. में goodwill है.

गुडविल इज पर वर्स्ट आइटम्स टू अपियर इन बैलेंस शीट वॉट इज द रीजन अभी बताता हूं एंड नंबर टू इन योर बैलेंस शीट योर गुडविल के नॉट अपियर किसने डिसाइड किया आपकी गुडविल है डिसाइड किया अगर हरेक को अलाउ कर दिया डिसाइड करना हम सबकी बैलेंस शीट विल गेट इन्फ्लेटेड नो एंड मीनिंगलेस नंबर सो हाउ डिड गुडविल कम इन टू योर बिजनेस बिकॉज वेन यू सेट टू मेक दिस कुर्सी मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी आपको मालूम पड़ा अमोद एक कुर्सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा है बीस साल से और अभी मैंने सुना बेच रहा है तो आप उसके पास जाओगे इस यार मैं दस करोड़ इन्वेस्ट करने वाला था आई बिलीव तुम्हारे पास लैंड बिल्डिंग ये है उसकी वैल्यू दस करोड़ है, है। तो, है। तो मैं तुम्हारी कंपनी दे दो चांसेस आर ही विल से नो मेरी कंपनी चाहिए तो पंद्रह करोड़ चाहिए क्यों इसे मैं बीस साल से चला रहा हूं बड़ी नोज मी करेक्ट

उसको 15 क्यों दिया दस के बदले उसकी गुडविल के लिए okay, एक right. नाम दे दिया। hmm. बन गया hmm. Now, finances, money, उसकी दो ऑप्शन है।, तो है, है।, है या तो इनकम होती है या लाइबिलिटी होती है दो ऑप्शन है एक्सपेंस या पांच करोड़ जो आपने गुडविल में दिया एक्सपेंस है कि एसेट है दैट डिपेंड्स अपॉन वो कब तक लास्ट करेगा राइट कुछ आइटम्स जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं वो एक्सपेंस होते हैं कुछ आइटम कंज्यूम होते होते टाइम लगता है।, है, तो उसको पहले एसेट बताते हैं वो जैसे जैसे दिरे, दिरे, कंज्यूम दिरे। है। होते हैं, नाम है, देप्रिसेशन। देप्रिसेशन सेंस? अब इनकी है, दो है आपके पास यू पेडम फाइव इज इट एक्सपेंस और एसेट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन राइट इफ यू थिंक उसकी गुडविल से मेरे को अगले दो तीन महीने ही फायदा होने वाला है फिर मैं अपना बना लूंगा सपोज राइट बट इफ यू फील नहीं यार अगले पांच साल मेरा इन, इनकी गुडविल की वजह से, से फायदा होगा तो आप इसको पहले एसेट बोलोगे और इसको जैसे एसेट को डिप्रिशिएट करते हैं वैसे इन टेंजिबल आइटम्स को राइट ऑफ करते हैं राइट सो यू विल राइट इट ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव इयर्स तो पहले साल आपकी बैलेंस शीट में गुडविल पांच पांच करोड़ अगले साल चार, चार। करोड़ yes. अच्छा नाउ व्हाट विल हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइडर रीडिंग थिंग्स अरे ये तो आपकी गुडविल है अरे आपकी mm. नहीं है उसकी है मतलब मैंने जिस कंपनी को एक्वायर किया उसकी तो आपकी बैलेंस शीट में किसकी गुडविल है और की। उसकी है राइट माय सेकंड क्वेश्चन वाज इज इट गुड और बैड सो वर्स्ट टाइटल राइट उन्होंने गुडविल बनाई क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छे से चलाया mm. सपोज आप अभी आप ऐसे करोगे नहीं बट इमेजिन यू आर रूड यू आर योर प्रोडक्ट आपने खराब right. कर दिया आप रोज बैडविल जेनरेट कर रहे हो मगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल हैव एनी वैल्यू जब आप बेचने जाओगे विल यू सेल हिज गुडविल और राइट सो इट्स अ मीनिंगलेस आइटम राइट एंड देयरफॉर द अर्लियर यू राइट इट ऑफ द बेटर Ratio analysis तो कौन से और रेशोज ऐसे है जो मुझे देखने ही देखने चाहिए <laughs> पी एन एल में आप एक रेशियो देखिए दो रेशो चलो लेट टॉक अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल कॉन्ट्रीब्यूशन भाषा बदल गईस प्रॉफिट कम फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग ओके कॉन्ट्रीब्यूशन कम फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कॉस्टिंग ओके इन अ वे सिमिलर है बट ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स योर इनकम माइनस सम डायरेक्ट एक्सप्राइट लाइक मैन्यूफेक्चरिंग सो आपने एक पी एन एल उठाया हंड्रेड रुपीज सेल्स थर्टी hmm. रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट right. अब आप इवेल्युएट कर रहे हो रेशियो एनालिसिस hmm. कर hmm. रहे हो यू फाउंड दिस पर्टिकुलर कंपनी थर्टी परसेंट वॉट्स योर रिएक्शन अच्छा है बुरा है डिपेंड्स इंडस्ट्री पे मतलब जैसे कुर्सी बना रहे सत्तर परसेंट जा सकता है वेरिएबल में सो एज यू करेक्टली सेट कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है right. रेशियो एनालिसिस दो तरीके से करना चाहिए वन इज इंटर कंपनी सेकेंड इज इंटरा कंपनी ओके इंटर कंपनी में इन योर इंडस्ट्री पिकअप हाफ अ डजन ए डी सी वेर इज देर अगर right. सबका रेशियो चालीस से ऊपर है और right. आपका थर्टी है यू शुड गेट वरिड और अगर बाकी सबका बीस से कम है और yeah. आपका थर्टी yeah. है यू शुड गेट थर्टी सेकेंड मेथड इज इंट्रा कंपनी अपना ही रेशियो ईयर आफ्टर ईयर देखो आप राइट right. तो दिस ईयर योर सेल्स प्रॉफिट बिकेम टू हंड्रेड वॉट शुड हैपन टू ग्रॉस प्रॉफिट दिसर सेल सौ करोड़ दो सौ थर्टी रुपीज थर्टी करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट, अगले साल दो सौ करोड़ सेल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए साठ होना चाहिए कि साठ से कम होना चाहिए क्यों होना चाहिए तो क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर सौ रुपए में सत्तर रुपया कंज्यूम किया तो थर्टी का ग्रॉस प्रॉफिट था तो दो सौ में एक सौ चालीस कंज्यूम करोगे अब यू इमेजिन करो सेकेंड ईयर वो थर्टी का सिक्सटी नहीं हुआ नहीं। नहीं। या तो फिफ्टी एट हो गया या सिक्सटी टू हो गया इमेजिन योर ग्रॉस प्रॉफिट बिकेम फिफ्टी एट हो हो गई, gross profit almost double हो गया. चिंता की बात है कि नहीं है नहीं है क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो भी तो प्राइस में वेरी कर सकता है। आंसर इज अगर आपका थर्टी से फिफ्टी एट हुआ आपकी नींद उड़ जानी चाहिए अच्छा क्यों सेल डबल हो गई ग्रॉस प्रॉफिट डबल से कम हुआ हुँ. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल डबल से ज्यादा हो गया एज यू पॉइंटेड आउट जस्ट ना कॉस्ट ऑफ सेल डबल से कैसे बड़ा होगा रॉ मटेरियल प्राइस शायद बढ़ गए होंगे इनपुट कॉस्ट बढ़ गया Correct. अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गया इफ यू आर अ अस्ट्रॉन्ग प्लेयर आपको वेंडर ने मेमो भेज दिया यार आई कांट सप्लाई दी प्राइस एस्केलेशन। इफ यू आर अ अस्ट्रॉग प्लेयर ऐसा ही मेमो आपसे आपके कस्टमर के पास जाना चाहिए था कांट सप्लाई दी ओल्ड रेट मगर ऐसे लगा

मगर अगर आपने डबल सेल किया है तो डबल खरीदा भी होगा ना हुँ. आप क्यों नहीं कमांड कर सकते सो मार्जिनल फॉल इन ग्रॉस प्रॉफिट मेजर प्रॉब्लम अगर ग्रॉस प्रॉफिट 30 से 60 के बदले बासठ होता है मेजर अचीवमेंट राइट सेकेंड रेशो बात करेंगे फिर वी हाँ. अब नेट प्रॉफिट रेशो सेल कितना था लास्ट ईयर हंड्रेड ग्रॉस प्रॉफिट थर्टी थर्टी नेट प्रॉफिट पांच करोड़

आपने वर्ड लेवरेज यूज किया इन अ वेरी नैरो सेंस कॉल्ड बोरोइंग बट लेवरेज इज अ ब्रॉडर वर्ड राइट एक लेवरेज मल्टीपल होता है व्हिच वन शुड अंडरस्टैंड कभी ना कभी सबको सीख के समझना चाहिए फैसिनेटिंग कांसेप्ट अगर आपका लेवरेज मल्टीपल 3 का है इसका मतलब है अगर सेल गोज अप बाय x बॉटम लाइन शुड गो अप बाय अ फैक्टर ऑफ 3x ओके okay. योर 100 बिकेम 200 ओल्ड प्रॉफिटी अगर फाइव से फिफ्टी हुआस्टैंड किस चीज से इंप्रेस होना चाहिए किस चीज से नहीं।, नहीं होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिनली भी बढ़ता है ना इट्स अ मेजर अचीवमेंट नेट प्रॉफिट सब्सटेंशियल एज यू करेक्टली सेड क्यों नेट प्रॉफिट बढ़ा अरे इनकम बढ़ गई डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गए रेंट नहीं बढ़ा सैलरी नहीं बढ़ी डोंट पैट योर द बैक फॉर एफिशिएंसी इसलिए प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा मगर तो शायद और भी ज्यादा बढ़ना चाहिए था बहुत okay. जल्दी इंप्रेस मत होना करेक्ट सो रेशियोज में अगेन करेक्ट बहुत 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 है, है। करेक्ट करेक। और सर कैश फ्लो साइड पे अगर मैं बेसिक से थोड़ा सा कैश फ्लो ये तो पूरा तुम एमबीए करा रहे का फॉर्मेट ऐसा है कैश फ्लो मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब आपकी इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है नेगेटिव मतलब आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा है लेकिन कैश फ्लो कैन बी इज डिवाइडेड इन थ्री थ्री टार थ्री पार्ट ऑपरेशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कुर्सी चलाते हो hmm. तो कुर्सी बेच के कितना पैसा आया कुर्सी बनाने के that, लिए that, कितना that. खर्चा किया ऑपरेशन में कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव okay. है इन्वेस्टिंग मीन्स टाइम टू टाइम मशीन खरीदोगे शेड बनाओगे वो कैश आउटफ्लो हो गया right. कभी कोई चीज बेच दी जमीन बेच दी मशीन बेच दी तो कैश इनफ्लो हो गया डिफ्रेंस कैन बी नेट माइनस और प्लस फाइनेंसिंग मीन्स इक्विटी इंट्रोड्यूस किया लोन लिया, लिया तो कैश इनफ्लो है पुराना लोन कोई वापस किया तो कैश आउटफ्लो है सो योर बिजनेस में हैव अ पॉजिटिव कैश फ्लो मगर इंटरनल ब्रेकअप क्या है okay. अगर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है hmm. और फाइनेंसिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है इसका no, क्या मतलब है नॉट अ गुड थिंग ऑपरेशन में आप नुकसान कर रहे हो और लोन लेके ऑपरेशन चला a... रहे हो टेरिबल थिंग राइट बट अगर ऑपरेटिंग पॉजिटिव है और लेटेस्ट से इन्वेस्टिंग नेगेटिव है इसका मतलब है ऑपरेशन में कैश फ्लो कमा रहे हो hmm. और कहा जा रहा है बाइंग मोर वंडरफुल राइट सो इट इज नॉट इनफ दैट अ बिजनेस हैज अ पॉजिटिव कैश फ्लो व्हाट इज इनफ इज इंटरनल पॉजिटिव ऑपरेटिंग एंड अ नेगेटिव मे बी अ पॉजिटिव फाइनेंसिंग एंड अ नेगेटिव इन्वेस्टिंग मीन ग्रोइंग कंपनी एंड सर टू कंक्लूड वन पीस ऑफ एडवाइस जैसे ये जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे आईम वेरी श्योर

टिप्स पे मत जाइए टिप मिले भी तो कोई हार्म नहीं है लेकिन को वैलिडेट करो अपने थिंकिंग के साथ लॉजिक समझो देर आर मेनी मेनी कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए जितनी बैलेंस शीट समझोगे जितना प्रॉफिट लॉस को रीड करना समझोगे उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी डोंट टेक अंड रिस्क द मोर यू इन्वेस्ट द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज